नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। उम्मीद है तुहानू पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट रिलेटेड जो सिलेबस से वो थोड़े को पहुँच गया होगा। जी नहीं पहुँचा तो यह थोड़े सामने उसका सिलेबस एंड काफ़ी बच्चों ने इसकी तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। जो तुम नहीं की इसकी तैयारी तो एक बार तैयारी करने तो पहले इस सिलेबस को आप समझ लेने कि जिहड़ा भी इन्होंने सिलेबस है मैनशन किया होया इन्हों के टॉपिकों आपको एग्जाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए हुने तो लाइक कर दो वीडियो में। तो चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब भी कर दो। तो पंजाब DGP दिनकर गुप्ता ने ऑफिशियल जो ट्वीट किया उस सिलेबस मैनशन किया। उन्होंने सब तो पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और राजनीति का एक सिलेबस बारे लिखा हुआ है। दोस्तों हम गल कर लेने संविधान और राजनीति रिलेटेड कि टॉपिकों एग्जाम सवाल देखने मिलेंगे। तो सब तो पहला आप कवर की करना संविधानिक ढांचा, आप स्टडी करनी है गूगल पर या यूट्यूब से सर्च मारना, जिन्हें भी क्वेश्चन कलैक्ट होंगे ने अपनी नोटबुक में लिख लेना। उस बाद संविधानिक असैम्बली का कम कम करना किस विधि थ्रू संविधानिक असैम्बली कम करती है। थर्ड नंबर की गल करिए भारतीय संविधान की विशेषता, इस तो इलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूनियन इसकी टेरेटरीज होंगे ने, इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भारतीय नागरिकता दे अकॉर्डिंग क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं एग्जाम में। फंडामेंटल राइट यानी बुनियादी अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी बुनियादी कर्तव्य, विधानसभा कार्यकारी न्यायपालिका रिलेटड ही आप पोलिटी के सिलेबस में इन सारे टॉपिकों ही आपको जो मेन क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो हर एग्जाम इन टॉपिकों ही पोलिटी के क्वेश्चन बनते हैं। नैक्सट गल करिए दोस्तों हिस्टरी की, हिस्टरी में आप गल करिए तो हिस्टरी में आप की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ना पढ़ना है, पढ़ के जाना जिस क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता आप एक बार चंगी तरह रीड कर लेना, गुप्त वंश और मौर्य वंश रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस अलावा मुगल काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म रिलेटेड क्वेश्चन, पानीपत का युद्ध, इतिहासिक किताबा उसके लेखक, वैदिक सभ्यता रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। इस तो इलावा तराइन के युद्ध रिलेटेड जिन्हें भी क्वेश्चन ने चंगी तरह उन्होंने रीड कर लो। इस तो इलावा गांधी अंदोलन बारे पूरी डिटेलिंग तुम एक बार क्लासेस ऑनलाइन लै सकते हो, किसी भी चैनल तो यह क्लासेस लै सकते हो। बाकी टाइम टू टाइम पर टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें इंपोर्टेंट MCQ की वीडियो प्रोवाइड करवाता रहा। तो इस तो इलावा फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सैनानी बारे भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो मेन जिहड़ा रह गया हुण अपना पंजाब का इतिहास, बाकी तुहानूं मैं अलग तो एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगा पंजाब के इतिहास में आपां की स्टडी करनी है, मतलब कि किहड़े किहड़े टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो तुहानूं वह वीडियो चाहिए है पंजाब के इतिहास के सिलेबस की टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए है तो वीडियो में एक बार कमेंट करके यस लिख दिओ, तो मैं नैक्सट वीडियो इस रिलेटेड तुहानूं मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगे गल करिए दोस्तों कल्चर ऑफ इंडिया रिलेटड, मतलब कि इस रिलेटड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हाँ, आई बटन दे तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। तो उस पूरी ब्रीफली मैं समझाया हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो किहड़े किहड़े टॉपिकों में आपको कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब की मैं काफ़ी वीडियोज़ के MCQ टाइप क्वेश्चन तुम्हें करा चुका हाँ, जो मेरे चैनल तुम्हें ईजीली मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैं इस क्रिएट की हुई है अते कल्चर ऑफ इंडिया नूं ब्रीफली समझण लई किस टाइप के टॉपिक के एग्जाम विच क्वेश्चन्स बनते हैं वह उपर तुहानूं आई बटन ते वीडियो मिल जाएगी, जां वीडियो के एंड विच तुहानूं उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसीं चैक कर लो। तो हुण गल करिए आपां इकनोमिक्स यानी अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र भी काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। तो इस विच आपां स्टडी दे वाइज की करना है दोस्तों, मैं हमेशा तुहानूं कहना हुंदा हार्ड वर्क नहीं करना, आपां स्मार्ट वर्क करना। तो जो जो मेन मेन क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं वह भी टॉपिक आप कवर करने ने। तो अर्थशास्त्र की गल करिए दोस्तों, बुनियादी अर्थशास्त्र बारे स्टडी करनी आप पहले रीड करनी है। उस अलावा योजना आयोग और नीति आयोग को काफ़ी चंगी तरह आप क्लीयर कर लेंगे तो कवर कर लेंगे। इस अलावा राष्ट्रीय आमदन रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस अलावा मुद्रा नीति बारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पैसा यानी मुद्रा और मुद्रा किस्म बारे भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस अलावा बजट काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे तो काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इस अलावा भारतीय खेतीबाड़ी और उद्योग रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आपको देखने को मिलते हैं। एंड नैक्सट टॉपिक की गल करिए दोस्तों, जियोग्राफी और भूगोल रिलेटेड आपको एग्जाम में किहड़े किहड़े टॉपिकों में क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्रह्मंड और सूरजी मंडल के टॉपिक में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस अलावा धरती दी पूरी अपन जानकारी होनी चाहिए है, कितों भी क्वेश्चन बन सकता है अर्थ रिलेटेड। इस तो इलावा लिथोस्फेयर, वायुमंडल,
हाइड्रोस्फेयर अते बायोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब अपने पानी बारे जानकारी होनी चाहिए जो कि अपनी धरती का अवेलेबल है वाटर, उस रिलेटेड अपन जानकारी। अते बायोस्फेयर तो मतलब अपनी हवावां बारे, कि हवावां अपन जरूरत है जीवन धरती से जीवन रहने लिए। इस तो अलावा इंडियन ज्योग्राफी भी काफ़ी इंपोर्टेंट वेटेज रखती है। तो इस विच आपां ड्रेनेज सिस्टम, जलवायु, चट्टान, मिट्टी और मिनरल यानी खनिज पदार्थों बारे पढ़ना है, कुदरती वनस्पति। इस तो अलावा खेतीबाड़ी रिलेटेड क्वेश्चन, उद्योग ते पापूलेशन बारे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों वायुमंडल में जो चंगी तरह ब्रीफली समझना चाहते हो तो इसका लिंक तुम्हें वीडियो के एंड विच एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहला बनाई हुई है, एक बार इसको समझ लो तो वायुमंडल कदे भी तुम भूल नहीं सकते। कोई भी क्वेश्चन आता है तो ईजीली तुम्हारे माइंड में आ जाएगा। वह वीडियो काफ़ी समझने वाली है, तो उसको कॉपी पेन लेके फिर समझने की कोशिश जरूर करो। इस तो बाद सिलेबस में कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड भी टॉपिक मैनशन किए हुए हैं। इसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं है, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रिलेटेड अपन जागरूकता होनी चाहिए। तो इस रिलेटेड मैं काफ़ी क्लासेस ऑलरेडी तुम्हें प्रोवाइड करवा चुके हैं, मेरे चैनल तुम्हें मिल जाएगी। ये जे तो बुक भी पढ़ लो तो बैटर गल है, मतलब कि नॉर्मल MCQ ही अपने इसे स्टडी करने, कोई स्टोरी नहीं होंगी, कोई इसकी थ्योरी नहीं होंगी। तो अगर किसी नॉर्मल MCQ तो मेरे चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगे, उतो पढ़ लियो। इस लिए तुम एक बुक भी परचेज कर लियो जिसका लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा दिता है, क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस के घट्टो घट्ट 10 या 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड नैशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर वास्ते तुम रेगुलरली ही कम तो कम 2 साल की करंट अफेयर यूट्यूब से सर्च मारो, तो वाईफाई स्टडी नाम का एक चैनल है, उससे जिन्हें भी क्वेश्चन तुम कलैक्ट कर सकते हो अपनी नोटबुक में लिखो, रिपीट करो, तो फिर तो अपने नोटबुक में लिखो, फिर यह सारा सिलेबस थोड़ा चंगी तरह कवर हो जाएगा। एंड दोस्तों इस अलावा जो कंप्यूटर अवेयरनेस के जनरल साइंस के पोल्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल तुम परचेज करना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है। जो तुम परचेज करना चाहते हो तो अपनी तैयारी में बैटर करना चाहते हो तो यही मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके तुम यह इंपोर्टेंट PDF फाइल खरीद सकते हो। ओके दोस्तों इस अलावा मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के जिन्हें भी टॉपिक होंगे ने वो नॉर्मली होंगे ने, वो तुम्हें मैं ज्यादा नैक्सट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। 70% क्वेश्चन जिन्हें आने एग्जाम इन्ना जो सिलेबस तुम्हें मैं इस वीडियो में समझाए ने इन्हों ही आने। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड जिन्हें माइंड में यह गल चल रही है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, जो आएगी उदो तैयारी करेंगे, तो यह बहुत बड़ी थोड़ी गलत फहमी होगी। जिन्होंने पता है कि भर्ती होनी है उन्होंने ऑलरेडी इस एग्जाम की तैयारी करनी भी शुरू कर दी है। जो तुम बाद तैयारी स्टार्ट करोगे तो तुम जे हूँ तो तैयारी स्टार्ट की हुई हूँ तो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कदम भी कंपीट नहीं कर सकोगे एग्जाम। कहने का भाव दोस्तों यह है जिस दी सब तो ज़्यादा तैयारी होगी, ज़्यादा टाइम तक तैयारी की होगी, उही एग्जाम क्वालीफाई करेगा। ओके दोस्तों एंड वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो, तो एक प्यारा जहा कमेंट भी जरूर कर दो।